पापा को लगता है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। आतिर, तुम और पापा अब तक उसके हस्बैंड को 50 लाख रुपए दे चुके हो, एंड इट्स अ बिग अमाउंट। मुझे लगता है वो उसके साथ मिली हुई है। ना करती तुमसे शादी, किसी से भी ना करती, किसी दारुलमान में चली जाती। घटिया इंसान की बीवी बन के वो कैसे रह सकते हैं आतिर? सलमान क्या कर रहे हो? रिलैक्स यार। हेलो आतिर साहब, कैसे हैं? सलमान, बड़ी देर लगा दी आपने फोन उठाने में। हाँ, कुछ बिजी था मैं, बोलो। अच्छा, वो एक्चुअली मायरा आपसे बात करना चाह रही थी, आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। ये लो मायरा, बात करो। बात करो। हेलो। हाँ, कहो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। क्या है ये सब? कुछ नहीं, वो सलमान और मैं भी आपको थैंक यू कहने के लिए फोन कर रहे हैं। किस लिए? मुझे सलमान ने कहा गाड़ी के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे आखिरी बार बात हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आतिर साहब, ये मायरा बहुत लिहाजी और कसरे नफसी से काम ले रही है। मैं सच बताऊं आपको, मैं फैन हो गया हूं आपका, और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं, आपसे मिलकर। नहीं सलमान, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। अब ये बताएं आप क्या कर रहे हैं? क्यों? क्यों? इसलिए कि आप मायरा और मेरी तरफ से हाई टी पर इनवाइटेड हैं। प्लीज सलमान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए आतिर साहब, अगर आप नहीं आए ना तो मैं और मायरा आपसे नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली सलमान, मैं बहुत बिजी हूँ, एक फैमिली इवेंट है, उसमें इनवाइटेड हूँ। मैं नहीं मिल सकूंगा, आई एम सॉरी। मतलब मायरा से कहलवाऊंगा तभी आएंगे आप? ठीक है आतिर साहब, ये लो मायरा, अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। मेरे कहने पे तो उल्टे सीधे बहाने बना रहे हैं। लो बात करो। ये सब क्या है मायरा, क्या हो रहा है? हमदूत, जीती रहो बेटा, जीती रहो। जरा मेरी दवाएं तो निकाल दो। आपकी दवाइयां भी खत्म हो रही हैं, कल जाऊंगी ना तो ले आऊंगी। अरे हाँ भाई, बुढ़ापा है ही ऐसी चीज, दवाओं के सहारे ही तो जिंदगी गुजर रही है। अरे बस अब तो मैं ये सोचती हूँ
गुजर ही जाऊं तो अच्छा है। अल्लाह ना करे, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप। अरे नवासों की, पोतियों की सबकी शादियां देख ली, अब जी के और मैं क्या करूंगी। अभी आप मायरा और मिशाल के बच्चे भी देखेंगी अम्मा। अरे इंसान भी अजीब चीज है, एक के बाद एक ख्वाहिशों का अंबार लगाया जाता है। जब से ये दोनों गई है ना, चक्कर ही नहीं लगाया। इन दोनों के बगैर घर तो काटने को दौड़ता है अम्मा। मुझसे पूछो। अरे तुम तो सुबह सुबह निकल जाती हो अपनी नौकरी पर, पहाड़ जैसा दिन होता है, कैसे इधर से उधर लुढ़क लुढ़क कर गुजारती हूँ मैं। अम्मा क्यों ना मिशाल और मायरा की तरफ चक्कर लगा लें, ऐसे थोड़ी देर बैठ कर आ जाएंगे कल। अच्छा कल नहीं, परसों चलेंगे। ऐसा क्यों माँ? अरे भाई समन ने खीर पकाई की रस्म रखी है ना अपने घर पे, भाई बच्चियों का खीर में हार डलवाएगी और साथ ही साथ एक छोटी सी दावत भी रखी है। अच्छा ठीक। सास अच्छी हो ना तो बहुओं की जिंदगी बड़े सुख चैन से गुजरती है, जैसे तुम्हारी सारी जिंदगी सुख चैन से गुजरी है ना। क्या वो इतनी हाइपर क्यों? तुम्हें पता है क्यों हाइपर हो रही? और तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता मुझे? मुझे बताओ, मुझे क्या नहीं पता? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जानती हो ना मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने आदर को हाईटी पे क्यों बुलाया? एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। कहो। मैं ये कह रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, और वो आदर तुमसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और मैं तुम बार बार मेरी बात को काटोगी तो बात पूरी कैसे करूंगा? एक बार पूरी बात सुन लो, फिर जो कहना हो कह देना। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। तुम भी प्यार करती हो मुझसे, लेकिन लेकिन आई नो थोड़ा कम करती हो। और वो आतिर भी तुमसे प्यार, अच्छा प्यार नहीं लाइक करता है। लाइक जैसे इस तरह के ट्रायंगल में होता है। इस हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे होनी चाहिए? आतिर से। इस तरह के ट्रायंगल में यही होता है। लेकिन मैंने क्या किया? उसकी दीवी गाड़ी चला रहा हूं, उसकी दीवी गाड़ी अपने नाम होने की खुशी मना रहा हूं, ये तो सरासर बेगैरती है ना मेरे। मैं सच बताऊं, अभी हम जो खाना खा के आए हैं, गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर होने की खुशी में, वो खाना अभी तक सीने पे बैठा रहा है, जैसे बोझ है उसका। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मायरा मैं भी अस्लान की तरह तुम्हारे साथ बाइक पे घूमना चाहता हूँ। गाड़ी की याशी चली जाएगी कोई परवाह नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ, बस यही चाहिए मुझे। मैंने हातिर को हाईटी पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर उसकी गाड़ियों से वापस करते।